मैं पुणे अपने गांव मानेसर की तरफ से और इलाके की तरफ से आप सभी का मैं भी आप सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, 60 दिन से कंटिन्यू आप यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आपकी जमीन आपको आपसे छीनी जा रही है, वह जमीन जिसमें पुरखों से हमारे रहते आ रहे हैं। ये काशन एक इतना ऐतिहासिक गांव है जिसको काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस काशन की भूमि बहुत दूर तक फैली हुई है, इसी के आंचल में कई गांव बसे हुए हैं। ये एक ऐसा धार्मिक स्थल भी है, हिंदुस्तान में इसकी गिनती बड़े ऊंचे धार्मिक स्थल के रूप में होती है। यहाँ के लोगों ने बार बार गुहार लगाई चीफ मिनिस्टर साहब से कि सीएम साहब, कई बार यहाँ की जमीन एक्वायर हो चुकी है, कृपया करके आप हमारी जमीन को एक्वायर ना करें, हमारे पास यही जमीन बची है जो रहने के लिए है। लेकिन पता नहीं ये यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं, अब यहाँ इशू उठा देते तो कह देते सरकार का विरोध करते हैं। अरे हम अपनी जमीन को बचाने के लिए जब चीफ मिनिस्टर साहब से तीन बार ये यहाँ की कमेटी एक बार नहीं तीन तीन बार मिल चुकी है और सीएम साहब ने हर बार ये एश्योर किया कि हाँ मैं प्रयास करूंगा आपकी जमीन को बचाने का, मैं प्रयास करूंगा। ये झूठे वादे हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमने भी इस भारतीय जनता पार्टी को दोनों बार आपके पूरे इलाके ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इनको वोट किया। क्यों किया? इसलिए किया कि ये सुशासन लाएंगे, अच्छा शासन लेंगे, लेकिन आपसे आपकी मातृभूमि को छीना जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। हम क्या कहें, राव इंद्रजीत सिंह ने स्वयं झोली पसारी है चीफ मिनिस्टर के सामने, जो चार बार MLA 5 बार सांसद रहे उनकी बात के अंदेखी की गई है। मैं क्या कहूँ, यहाँ मैं लगातार आ रहा हूँ, यहाँ के विधायक जराता ने भी मुद्दा उठाया विधानसभा में, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मेरी समझ से बाहर है भाई, राजनीति वाले राजनीति करते रहे, ये जमीन छोड़ी जाए, हमारे पास और कोई जमीन नहीं है। यहाँ 21-22-25 करोड़ रुपए का रेट है, हमने 11 करोड़ की मांग करी है, अगर सरकार को जरूरत है तो 25 करोड़ ना देकर हमें 11 करोड़ ही मुआवजा दे दिया जाए। और HSIIDC से अगर डेवलपमेंट ज्यादा करना है तो झज्जर में ले लिया, महेंद्रगढ़ में ले लिया, मेवात में ले ले, हमारे से हमारी जमीन ना दी जाए। बहुत धन्यवाद। अभी एक साहब ने कहा है, कटारिया साहब ने, हमारे ठाकरान साहब की चीफ मिनिस्टर साहब मानते हैं। अरे हाथी का पाओ में सबका पाओ, घर आई नागर ना पूजे, बम्बई पूजन चाहे। ठाकरान साहब, हम आपसे अपील करते हैं, अगर सीएम साहब आपके मानते हैं तो इस जमीन को मुक्ति दिलाएं। धन्यवाद जी, गलत नापू।